हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा प्रॉब्लम प्ले के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ड्रामा और प्ले शब्द सुनकर आपको एक जैसा लगता होगा, लेकिन ड्रामा और प्ले दो कन्फ्यूज्ड वर्ड्स हैं। दोनों का हिंदी एक समान होता है, लेकिन इन दोनों के बीच सबटल डिफरेंस है। अ ड्रामा इज टू बी रीड एंड अ प्ले इज टू बी सीन means drama refers to a form of written literature that is intended for performance, while play refers to a theatrical performance. Drama एक ग्रीक वर्ड ड्रेन से बना है जिसका अर्थ है टू डू, जबकि प्ले को मिडिल डच वर्ड प्लान से बना है जिसका अर्थ है डांस और लिव फॉर जॉय। प्रॉब्लम प्ले को थीसिस प्ले या डिस्कशन प्ले भी कहा जाता है। इट इज अ कंपैरेटिवली रिसेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा। प्रॉब्लम प्ले या अ ड्रामा ऑफ आइडियाज एक प्ले है जिसमें प्रॉब्लम के सभी पहलुओं का वर्णन किया जाता है। यह प्ले 19th सेंचुरी के दौरान उभर कर आया। इस प्ले में कैरेक्टर्स और सिचुएशंस इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रॉब्लम की चर्चा के लिए डेप्थ प्राप्त हो सके। प्लेज राइटिंग का ट्रेंड विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और घरेलू समस्याओं पर डिस्कशन करता है, जिसे पहली बार नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सन ने शुरू किया था। वे 1879 में डॉल्स हाउस के प्रकाशन से यूरोप के साहित्यिक लोगों में संवेदना क्रिएट किया। इस प्ले में उन्होंने डोमेस्टिक प्रॉब्लम के बारे में अपनी क्रांतिकारी विचारों को रखा। उस नाटक में हुई चर्चा ने 1000 घरों की शांति को भंग कर दिया। 1889 में इसे इंग्लैंड में विलियम आर्चर द्वारा अनुवाद करके इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया। यह इंग्लैंड में तूफान खड़ा कर दिया। अनेक आलोचकों ने इस न्यू ड्रामा ऑफ आइडियाज की निंदा की। उन लोगों ने तर्क दिया कि डिस्कशन और डेट का ड्रामा में कोई प्लेस नहीं था, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इब्सन का स्ट्रांगली सपोर्ट किया। वे उस तरह के प्ले लिखना शुरू किया जिसमें प्रॉब्लम प्लेस को दर्शाया जाए और स्टेज पर सफल बना सके। दूसरे नाटककार जैसे गल्सवर्दी भी प्रॉब्लम प्ले को लिखना शुरू किया। यह ड्रामा मूल रूप से शेक्सपियर और उनके समकालीनों के ट्रेडिशनल ड्रामा से भिन्न है। वहां सजीव चरित्रों को बनाने पर जोर था और प्लॉट्स फंडामेंटल ह्यूमन इमोशंस जैसे प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा इत्यादि पर आधारित। इन प्लेज में कन्फ्लिक्ट का अर्थ है एक लड़ाई जिसमें आक्रामक फिजिकल एक्शन या गहरे भावनात्मक परेशानी को शामिल करता। मॉडर्न ड्रामा ऑफ आइडिया में कैरेक्टर्स को प्रॉब्लम के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों से रिप्रेजेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। हीरो सामान्यतः स्वयं नाटककार का मुख्य पात्र होता है। कुछ करंट प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाया जाता है। संवाद उस प्रॉब्लम पर एक डिबेट होता है। कन्फ्लिक्ट शुद्ध रूप से मेंटल होता है। हम लोग परस्पर विरोधी विचारों और विश्वासों और मूल्यों के विरोधी मानकों का टकराव देखते हैं। शेक्सपियर के ओथेलो में एक ब्लैक मोअर है जो बहुत सुंदर और गुणवान गोरी लड़की डेसडेमोना से शादी करता है। ओथेलो में सभी संभावित गुण हैं, लेकिन उसके पास एक घातक दोष ईर्ष्या है। जब वह विलेन ईगो द्वारा भड़काया जाता है तो वह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह खुद को मार डालता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताया है कि कैसे इस प्ले को एक प्रॉब्लम प्ले की तरह लिखा जाना चाहिए था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि ओथेलो एक विलक्षण रूप से बेहतर नाटक होता यदि इसमें हाईली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का सीरियस डिस्कशन होता कि कैसे एक साधारण मॉरिस सोल्जर बेनिस की रहने वाली तीव्र बुद्धि लेडी के साथ आगे बढ़ता यदि वह उसे शादी किया होता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने प्रेम, विवाह, सेक्स, वेश्यावृत्ति, पूंजीवाद, धर्म, विकास और युद्ध की समस्याओं के बारे में अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए नाटक लिखना शुरू किया। वे कहते थे कि उनके प्लेज में सभी बात करते हैं, ऑल टॉक। वे स्टेज का प्रयोग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जहां से उपदेश दिया जा सके।
प्रॉब्लम प्लेस के कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स पर प्रकाश डालते हैं। डिमेरिट्स: प्रॉब्लम प्ले का मुख्य आलोचना है कि एक डिबेट ड्रामा एक विरोधाभास के संबंध में होता है। चर्चा के लिए उचित मंच एक डिबेटिंग सोसाइटी होता है और एक थिएटर नहीं होता। प्रॉब्लम्स की चर्चा प्लेस के प्रीफेस में शामिल होना चाहिए और सेम प्लेस में नहीं। लोग आर्गुमेंट्स या मॉरल लेसन्स के लिए नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए थिएटर जाते हैं। प्रॉब्लम का लगातार डिस्कशन स्टेज पर उबाऊ होने को बाध्य करता है। ट्रेडिशनल ड्रामा मानवीय स्वभाव और मानवीय भावनाओं को बताता था जो पूरे संसार में एक समान है, इसलिए इस ड्रामा में यूनिवर्सल अपील होता था। लेकिन प्रॉब्लम प्लेस में प्रस्तुत किए गए समस्याएं केवल स्थानीय इंटरेस्ट का हो सकता है, अतः यह प्ले केवल इंग्लैंड में इंटरेस्ट बढ़ाएगा जहां राजशाही है, बल्कि देश के विभिन्न भागों में इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा जहां राजशाही नहीं है। जैसे भारत में जाति प्रथा की बुराइयों का प्ले इंग्लैंड के लोगों के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। यह भी कहा जाता है कि प्रॉब्लम प्लेस बहुत दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि यह लोगों के इंटरेस्ट को समाप्त कर देगा और ऐसे प्ले का एक नेचुरल डेथ हो जाएगा। मेरिट्स: प्रॉब्लम प्ले आधुनिक युग का एक आदर्श परिणाम है। हम लोगों का आधुनिक जीवन ऐसा है कि हम लोग लगातार कठिन परिस्थितियों में रहते हैं और सभी समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और घरेलू समस्याओं का सामना करते हैं। यदि हम लोग ऐसा प्ले देखते हैं जिसमें कैरेक्टर्स को ऐसे समान सिचुएशन में रखा जाता हो और विवेकशील रूप से हमारी समस्याओं की चर्चा हो रही हो, तो हम लोग उस प्ले का आनंद लेते हैं जो अननोन सेटिंग में काल्पनिक परिस्थितियों पर आधारित है। चर्चा हम लोगों को नहीं उबाता है, तब आर्गुमेंट हम लोगों का मास्टर विपन होता है। हम लोग मन को थिएटर की ओर ले जाते हैं और इसलिए हम लोग संघर्ष के विचारों को उतना अधिक ले जाते हैं जितना बीते हुए समय के श्रोता ले जाते थे। सम ऑफ द प्रॉब्लम प्लेज आर डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन, मिसेस डेंस डिफेंस सेंट्स एंड सिनर्स बाय एच ए जोन्स, पिग्मेलियन, विंडोवर्स हाउस, मिसेस वैरेंस प्रोफेशन कैंडिडा बाय जीवी सॉ, स्ट्राइफ, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज एंड जस्टिस बाय जॉन गैल्सवर्दी, द वैसी इनहेरिटेंस एंड वॉस, द मैरिंग ऑफ एन लिट बाय ग्रैनविल बुकर, हिंडल वैक्स बाय विलियम स्टैनली हॉटन, रैचेल बाय एंगेलिना वेल्ड ग्रिम। रैचेल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस टू प्रोटेस्ट लिंचिंग एंड रेसियल वायलेंस। गैर कानूनी ढंग से मार देना या जातीय हिंसा को के लिए विरोध को व्यक्त करने के लिए रैचेल एंजेलिना वेल्ड ग्रिम की सबसे अच्छी प्रॉब्लम प्लेज है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने प्लेज में निम्नलिखित प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। विडोवर्स हाउस में उन्होंने कैपिटलिस्ट द्वारा गरीबों पर एक्सप्लॉयटेशन के प्रॉब्लम को डिस्कस किया। मिसेज वैरेंस प्रोफेशन में जीवी शॉ ने द प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन पर डिस्कस किया है, जिसमें औरतें एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण वेश्यावृत्ति करती थी। आर्म्स एंड द मैन में लव एंड वार के बारे में लोगों द्वारा दिए गए सेंटिमेंटल व्यूज पर चर्चा किया। कैंडिडा में जीवी शॉ ने वुमेन्स रोल इन द होम पर डिस्कस किया। द डॉक्टर्स डायलेमा में उन्होंने ऑब्जर्व थियोरीज ऑफ डॉक्टर्स को एक्सपोज किया। मेजर बारबारा में वे दिखाते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पूंजीवादियों पर निर्भर। पिग्मेलियन में उन्होंने हायर और लोअर क्लासेस के बीच फंडामेंटल डिफरेंस की चर्चा किया। गेटिंग मैरिड में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ मैरिज को डिस्कस किया। एंड इन मैन एंड सुपरमैन ही शोड द रोल ऑफ वुमेन एज द एजेंट ऑफ द लाइफ फोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रेस एंड द क्रिएशन ऑफ द सुपरमैन। इस प्रकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने विभिन्न प्रॉब्लम प्लेज में वेरियस प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। इस प्रकार प्रॉब्लम प्लेज का डिस्कशन समाप्त हुआ। सब्सक्राइब माय चैनल
Please like and comment if you have understood this topic with the help of this video. Don't forget to share my channel. Thanks for watching this video. We'll see you next. God bless you.